क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्यों पैदा हुए थे और इस जीवन में परमात्मा ने आपके लिए क्या उद्देश्य निर्धारित किया है? यह प्रश्न दर्शकों को उनके अस्तित्व के गहरे अर्थ पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के उद्देश्य पर चर्चा के लिए मंच तैयार करता है। मैं तुम लोगों से यह प्रश्न पूछता हूँ, यदि परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए कोई उद्देश्य है तो क्या तुम सचमुच में जानते हो कि वह क्या है? कल्पना कीजिए कि अगर मैं आपके पास गया और पूछा, आपका नाम क्या है और फिर इसके बाद आपका उद्देश्य क्या है, क्या आप स्पष्टता के साथ कह सकते हैं, हाँ, मुझे पता है कि भगवान ने मुझे इस धरती पर क्यों रखा है, मुझे अपना उद्देश्य पता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसे हम में से कई लोग अपने भीतर ले जाते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? मेरे जन्म का इस दुनिया में क्या उद्देश्य है? यह वास्तव में जीवन के सबसे गहन प्रश्नों में से एक है जो हम में से प्रत्येक के भीतर गहराई से गूंजता है। मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है और इस संसार में मेरे जन्म का क्या उद्देश्य है? ऐसे प्रश्न हैं जो हमें आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें दैनिक जीवन की सामान्य दिनचर्या से परे देखने और भीतर निहित गहरे अर्थ की खोज करने के लिए आमंत्रित करते हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में, विशेष रूप से हिंदू और भारतीय दर्शन के भीतर, धर्म की अवधारणा, एक का धर्मी कर्तव्य या उद्देश्य, इन सवालों से सीधे बात करता है। धर्म केवल सामाजिक या पारिवारिक अपेक्षाओं को पूरा करने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे मार्ग के साथ संरेखित करने के बारे में है जो हमारी अंतरतम क्षमता को पूरा करता है और हमारे आसपास की दुनिया में सद्भाव लाता है। प्रत्येक आत्मा, जैसा कि हिंदू शिक्षाओं में माना जाता है, एक अद्वितीय भूमिका या उद्देश्य के साथ पैदा होती है जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था में योगदान देती है। हालांकि इस उद्देश्य को महसूस करना हमेशा तत्काल नहीं होता है। यह अक्सर अनुभवों, आत्म प्रतिबिंब और आंतरिक विकास से भरी यात्रा होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन एक यात्रा है जो हमें हमारे उच्च स्वयं को जगाने के लिए है, हमें ज्ञान, करुणा और दूसरों की सेवा की ओर मार्गदर्शन करती है। बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान या एक उच्च सार्वभौमिक बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट उपहारों, शक्तियों और आकांक्षाओं के साथ प्रेरित करती है। प्रार्थना, ध्यान या आंतरिक शांति के माध्यम से सुलभ यह दिव्य मार्गदर्शन हमारे उद्देश्य को प्रकट कर सकता है, अक्सर एक आंतरिक बुलाहट या हम जो हासिल करने के लिए हैं, उसकी गहरी समझ के रूप में। जीवन के परीक्षणों और जीत के माध्यम से यह उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन का अर्थ न केवल अपने लिए है बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्हें हम रास्ते में प्रभावित करते हैं। अंततः हमारे उद्देश्य को समझने की खोज हमें अपने दिव्य सार से जुड़ने की ओर ले जाती है, हमारे कार्यों को हमारे वास्तविक स्वभाव और अधिक अच्छे के साथ संरेखित करती है। यह हमें न केवल अस्तित्व या सफलता के लिए जीने के लिए प्रोत्साहित करता है बल्कि अर्थ, इरादे और उद्देश्य से भरे दिल के साथ अपने आप को, दूसरों और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में। वास्तव में हमारे उद्देश्य के साथ संरेखण में रहने के लिए हमें भीतर खोज करने की आवश्यकता है। बाहरी सत्यापन की तलाश केवल भ्रम को जन्म देगी क्योंकि हमारा उद्देश्य हमारे अपने दिल की गहराई में प्रकट होता है। भगवद गीता हमें इसकी याद दिलाती है, हमें दिव्य मार्गदर्शन के लिए भीतर देखने का आग्रह करती है। परमात्मा के लिए हमेशा हमारे भीतर काम कर रहा है। शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान परमात्मा हम में निवास करते हैं, हमें अपने धर्म, हमारे पवित्र कर्तव्य को पूरा करने की इच्छा और शक्ति दोनों देते हैं। जब लोग अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए मेरी सलाह लेते हैं तो मैं उन्हें भीतर देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। ऐसा क्या है जो आपको खुशी और प्रेरणा से भर देता है? कौन सा सपना आपको शांति और संतोष की भावना लाता है? उम्र या पिछली गलतियों के बावजूद परमेश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक अनूठी योजना है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके मार्ग पर निर्देशित किया, उसी तरह हर आत्मा को परमात्मा द्वारा उनके अद्वितीय उद्देश्य की ओर ले जाया जाता है। यदि आप बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो उनसे यह पूछने के बजाय कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, उनसे पूछें वह क्या है जो भगवान ने आपको दुनिया में लाने के लिए बनाया है। हमारी संस्कृति अक्सर अंतिम लक्ष्य के रूप में करियर पर केंद्रित होती है, लेकिन वास्तव में करियर सिर्फ पृष्ठभूमि है। जीवन का सच्चा ध्यान यह है कि हम कैसे जीते हैं, वह उद्देश्य जिसे हम हर पल में मूर्त रूप देते हैं।
सनातन धर्म में हम सीखते हैं कि प्रत्येक आत्मा अद्वितीय है जो ब्रह्मा की दिव्य छवि में बनाई गई है। हम में से प्रत्येक गुण और ताकत रखता है जिसे केवल हम ही आगे ला सकते हैं। जब हम अपने आंतरिक उपहारों को गले लगाते हैं तो हम अपने भाग्य को पूरा करने के करीब जाते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, पूर्णता के साथ दूसरे धर्म का अनुसरण करने की तुलना में अपने धर्म का अपूर्णता से पालन करना बेहतर है। यह एक अनुस्मारक है कि हम में से प्रत्येक की दिव्य द्वारा डिजाइन की गई एक अनूठी भूमिका और प्रतिभा है। आप आसानी और खुशी के साथ जो करते हैं उस पर चिंतन करें, जिसे आप बिना किसी तनाव के सहजता से पेश कर सकते हैं। यह आपका उपहार है, आपके उद्देश्य का संकेत है। इस उपहार को पहचाने और सम्मान करें, क्योंकि यह आपको अपनी आत्मा की बुलाहट की ओर इशारा करता है। हर उपहार, हमारे पास मौजूद हर कौशल एक दिव्य आशीर्वाद है। भगवद गीता हमें बताती है कि हमारा स्वधर्म या व्यक्तिगत कर्तव्य स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है जो हमारे आंतरिक गुणों और क्षमताओं में निहित होता है। अक्सर हमारे समुदाय हमारी ताकत प्रकट करने में मदद करते हैं। अपने प्रियजनों, अपने गुरुओं को देखें, उन्होंने आप में क्या देखा है। कभी कभी दूसरों को हमारे उद्देश्य की चिंगारी को हमसे अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं। याद रखें, आपका उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता से बंधा नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व के ताने बाने में बुना गया है। आप ब्रह्मांड में अपनी अनूठी भूमिका को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उपनिषदों के वैदिक ज्ञान से लेकर भगवद गीता के छंदों तक हिंदू शिक्षाएं आत्मखोज की पवित्र यात्रा पर जोर देती हैं। जिस तरह आप अपनी माँ के गर्भ में बुने गए थे, उसी तरह आप भी अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी चीजों से प्रभावित थे। ईश्वर ने हमें किसी और के जीवन को जीने के लिए नहीं बनाया है। परमात्मा ने हम में से प्रत्येक को विशिष्ट रूप से तैयार किया है, और जब हम इस दिव्य उद्देश्य के साथ संरेखित होते हैं तो जीवन अनुग्रह और शक्ति के साथ बहता है। इस दिव्य योजना के प्रति समर्पण में हम अपने सच्चे स्वयं का एहसास करते हैं। भगवान की हम में से प्रत्येक के लिए एक अद्वितीय पवित्र भूमिका है। इसलिए आइए हम दूसरों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण न करें, बल्कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चलें। अंत में हमारे वास्तविक उद्देश्य की खोज करना कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम बाहरी सत्यापन के माध्यम से या किसी और के मार्ग का अनुसरण करके उजागर करते हैं। इसके बजाय हमारा उद्देश्य हमारे भीतर है, विशिष्ट रूप से परमात्मा द्वारा डिजाइन किया गया है, जो हमारे अपने उपहारों, जुनूनों और हमारे जीवन के अनुभवों के ज्ञान में निहित है। हिंदू दर्शन में अक्सर यह कहा जाता है कि धर्म या हमारा सच्चा कर्तव्य और उद्देश्य ब्रह्मांडीय व्यवस्था द्वारा हमारे अस्तित्व में बुना जाता है। वास्तव में इस उद्देश्य को महसूस करने के लिए हमें आवक देखने, अपने दिव्य स्व से जुड़ने और उन गुणों को विकसित करने की आवश्यकता है जो हमारी उच्च क्षमता को दर्शाते हैं। जब हम अपने आप को इस धर्म के साथ संरेखित करते हैं तो हम पूर्णता, शांति और स्पष्टता का अनुभव करते हैं, यह जानते हुए कि हम जो भी कदम उठाते हैं वह ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित एक बड़ी योजना के अनुरूप है। इस यात्रा के लिए विश्वास, धैर्य और प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है, फिर भी हम दिल से किए गए हर विकल्प के साथ हम अपनी आत्मा की बुलाहट के करीब इंच करते हैं। अंततः जब हम अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ संरेखण में रहते हैं तो हम न केवल अपनी क्षमता को पूरा कर रहे हैं, बल्कि अधिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। याद रखें, जैसा कि भगवद गीता हमें याद दिलाती है, दूसरे के धर्म में सफल होने की तुलना में अपने धर्म में प्रयास करना बेहतर है, क्योंकि तभी हम सच्चे अर्थ और आनंद का जीवन जी सकते हैं। तो क्या आप अपने भीतर देखने के लिए तैयार हैं, अपने अद्वितीय उपहारों को गले लगाते हैं और उस रास्ते पर कदम रखते हैं जिस पर केवल आप ही चलने के लिए थे? आपको क्या लगता है कि जीवन में आपका अनूठा उद्देश्य क्या है, और आप कैसे महसूस करते हैं कि यह आपकी प्राकृतिक प्रतिभा और जुनून के साथ संरेखित है? नीचे दिए गए टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। हम आपके सच्चे मार्ग को खोजने और गले लगाने की दिशा में आपकी यात्रा के बारे में सुनना पसंद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके दिन को उज्ज्वल किया और आपको प्रेरणा का बढ़ावा दिया। यदि आपको यह पसंद आया है तो अधिक उत्थान सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें, जो आपको प्रेरित करेगी और जीवन को लेने के लिए तैयार रखेगी। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा, इसलिए नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आपको अगले एक में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। धन्यवाद।